Hello student, today I'm teaching you entrepreneurship for class 12th and it is unit 6, resource mobilization, and our topic is IPO. IPO means initial public offers. Okay, so I already covered the following topics of this chapter, that these are, first of all, I told you about the Twitter tweets, then internal source and external source through which we can raise our fund, and one of the two case also we studied, then capital markets, angel investors, venture capital, specialized financial institutions, and then I taught you about capital markets. So capital markets having two parts, primary market and secondary market, then initial issues, public issues, advantages and drawbacks. Now in this topic, in this video, let me explain you the important topic, that is IPO, initial public offer. So a company processing to raise resource by a public issue should first select the type of securities. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अपने फर्म को, अपने फंड को रेज करने के लिए दो तरीके से हेल्प लेती है. एक तो होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स. तो इंटरनल सोर्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल सोर्स में आ जाता है हमारा इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, देन वी कैन से प्रेफरेंस शेयर्स, ADR, IDR, GDR, ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. ओके, so these are the internal source of fund, and another one is external source में आ जाता है आपका debentures है, public deposits है, commercial banks है, commercial papers है, lease financing है, trade credit है, ठीक है. तो there are so many, so like this. तो यहाँ पे हम बात करते हैं IPOs की, initial public offer. तो कोई भी company अपने fund को raise करने के लिए they need some resource. तो बाय अ पब्लिक इशू, अगर हम पब्लिक को, पब्लिक से अपने फंड को रेज करते हैं, सो फर्स्ट सेलेक्ट द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. तो हमें सबसे पहले सिक्योरिटीज को देखना पड़ता है कि कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा. शेयर, हम शेयर्स को रेज करें, डिबेंचर्स को रेज करें, क्या रेज करें. ओके, तो शेयर्स तो मैंने आपको बता दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और डिबेंचर्स अपने आप में क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कहलाते हैं. अगर हम डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स को हमारे डिविडेंड मिलता है, और शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है, और डिबेंचर्स को उनका इंटरेस्ट मिलता है जितना भी वो पैसा लगाते हैं. सो द डिसीजन रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स टू बी मेड एट पार और प्रीमियम शुड बी डिसाइडेड कीपिंग इन व्यू द SEBI गाइडलाइंस. तो ये जो डिसीजन लिया जाता है कि शेयर या डिबेंचर्स कितने प्राइस में कोई कंपनी इशू करेगी, उनका प्रीमियम प्राइस क्या होगा, उनका पर प्राइस क्या होगा, एवरीथिंग बी डिसाइडेड बाय SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है. इसके गाइडलाइंस से ही किसी भी शेयर या डिबेंचर्स का प्राइस फिक्स किया जाता है कि उसका पर प्राइस कितना होगा, कितना शेयर इशू की, कितना जो शेयर आप इशू कर रहे हो उसका पर प्राइस क्या है, एक शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए किसी कंपनी के द्वारा. द होल प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो ये जो प्रोसेस होती है ये टू पार्ट में डिवाइड होती है. पहला है प्री इशू एक्टिविटीज और सेकेंड है आपका पोस्ट इशू एक्टिविटीज. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू मोर. सो All activities beginning with the planning of capital issues.
तो कोई भी कंपनी अपने फंड को रेज करने से पहले प्लान ज़रूर करती है। तो कैपिटल इशू करने से पहले एक प्लानिंग एक्टिविटी है जो कि बिगनिंग में करना पड़ता है, टिल द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट आर प्री इशू एक्टिविटीज़। जब तक कि हम प्री इशू एक्टिविटीज़ ना कर लें उससे पहले सब्सक्रिप्शन मीन जब आप प्रॉस्पेक्टस आपने इशू कर लिया पब्लिक के लिए, ठीक है, फिर आपकी बारी आती है आप शेयर्स इशू करते हैं, तो उससे पहले आपको प्लान करना ज़रूरी है। वेल ऑल एक्टिविटीज़ सब्सिक्वेंट टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मे बी कॉल्ड पोस्ट इशू एक्टिविटीज़। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन लिस्ट निकालते हैं कि कितने हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। सो द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स आर इन्यूमरेटेड बिलोज। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक पब्लिक जब हम पब्लिक के लिए शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो व्हाट ऑल स्टेप्स। सो सबसे पहले क्या होगा, कंप्लाइंस विद द SEBI गाइडलाइंस। सो बिफोर मेकिंग एनी इशू ऑफ कैपिटल, किसी भी कैपिटल को रेज करने से पहले इशू करने से पहले इट इज़ टू बी इंश्योर्ड दैट द प्रपोज्ड इशू कंपाइल्स विद द प्रोविजन ऑफ द SEBI गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन विद रिगार्ड्स ऑफ प्राइजिंग ऑफ इशू प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन लॉक इन पीरियड एंड रिजर्वेशंस एक्सेट्रा। तो SEBI का जो गाइडलाइंस है उस वो हमें ये बताएगा कि कितना हम हमारे इन्वेस्टर्स से हम कितना पैसे को अपने फंड को रेज कर सकते हैं, प्राइस क्या होगा पर शेयर का, प्रमोटर्स कौन कौन से होंगे, कैसे कंट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका पीरियड क्या होगा कि कितने पीरियड के बाद वो लॉक हो जाएगा, रिजर्वेशन क्या दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है कंपाइंस विद द SEBI गाइडलाइंस, जो SEBI गाइडलाइंस है उनको हमें ध्यान में रखते हुए शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। सेकेंड, होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग्स। Now, if it is required by the article of association that consent of shareholder is to be obtained, then meeting of the shareholders will be called. जैसे कि किसी भी कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी का एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें कि जब हमारा इनिशियल पब्लिक के लिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन है कि आपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखनी है तो हम मीटिंग रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। थर्ड, इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। सो अ कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हो, कंपनी टू बी सेंड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद अ शेयर आर टू बी लिस्टेड फॉर अप्रूवल। तो जहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम अपना अपने शेयर्स को लिस्टेड करते हैं कि इतने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, अप्रूवल लेने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे ताकि हमें अप्रूवल मिल जाए। Now fourth appointment. So a company which issues share has to appoint one or more merchant bankers who act as lead managers to the public issues. अब कोई भी company अपने shares को issue करने से पहले merchant bankers को appoint करेगी, जिनको हम intermediators भी कहते हैं या brokers भी हम इनको कह सकते हैं, who act as a lead manager to the public issue, जो कि जो हम पब्लिक इशू कर रहे हैं शेयर्स इशू कर रहे हैं उनका वो मैनेजर की तरह काम करेंगे। द कंपनी में ऑल्सो अपॉइंट रजिस्ट्रार्स अंडरराइटर्स ब्रोकर्स एक्सेट्रा। तो मर्चेंट बैंकर्स हो गया, मर्चेंट बैंकर्स क्या है, जिस बैंक के साथ जिस बैंक की हेल्प से हम अपने शेयर होल्डर्स के साथ डीलिंग करेंगे वो मर्चेंट बैंकर्स है। इसके साथ साथ हमें अपने रजिस्टर अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स को भी अपॉइंट करना है। तो दिस इज द fourth step in initial public offers. Okay, now fifth, drafting of prospectus. अब बात आती है prospectus को draft करने की। So apart from the notice of offer to issue shares to public, prospectus should also disclose. तो बहुत ज़रूरी है कि shares issue करने से पहले specially
when we are dealing with a general public, so we must have to be issue the prospectus. Okay, in prospectus it is the justification of premium. Okay, premium ke bare mein hum unko batayenge ki kitna price unhone pay karna hai, net assets value, कितने एसेट्स बेसिस पे हम उनको रेज कर रहे हैं वो वैल्यू देनी है. ठीक है, वो ड्राफ्ट होना चाहिए उसमें प्रोस्पेक्टस में. ठीक है, नेक्स्ट हाई एंड लो प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट टू इयर्स. पिछले जो इयर्स बीत गए हैं उनमें हमारे शेयर का सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या था और सबसे लोएस्ट प्राइस क्या था वो भी मेंशन करना है. फोर्थ, अ क्लॉज दैट कंपनी शैल रिफंड एंटायर एप्लीकेशन मनी इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड. ये भी उसमें क्लियर कर देना है कि कंपनी आपके फंड को रिफंड कर देगी एंटायर, अगर आपका एंटायर एप्लीकेशन मनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव नहीं होता है. ठीक है, नेक्स्ट अ स्टेटमेंट बाय द लीड मैनेजर्स दैट इन देयर ओपिनियन ऑफ एसेट्स ऑफ द अंडरराइटर्स आर एडिक्वेट टू मीट देयर ऑब्लिगेशंस. और उसमें ये भी मेंशन होगा कि जो हमारे मैनेजर हैं जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं जनरल पब्लिक्स की हेल्प से फंड रेज कर रहे हैं किसी कंपनी का, तो जो दैट देयर ओपिनियन द एसेट्स ऑफ द अंडरराइटर्स आर एडुकेटेड मीट देयर ऑब्लिगेशंस. तो उसमें ये भी क्लियर किया जाएगा कि अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करती है तो जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं इतना सफिशियंट एसेट्स हैं कि वो जो भी लोन बोरोइंग कर रही हैं उनको फुलफिल कर देंगे बिफोर वाइंडिंग द कंपनी. ओके, कंपनी के वाइंड अप होने से पहले पहले. सिक्स पॉइंट, अप्रूवल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. अब हमने प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट कर दिया, नाउ वी नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस. सो द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द इशू ऑफ शेयर शुड बी अप्रूव्ड बाय द लीगल एडवाइजर स्टॉक एक्सचेंज वेयर एप्लीकेशन has been sent seeking permission for share to be draft in. Okay, अब हमें अपना जो हमने prospectus बनाया है drafted prospectus बनाया है उसको approval करने से पहले हम legal advisors का help लेंगे या stock exchange का help लेंगे जहाँ से हमें permission मिल जाएगी draft करने की. ठीक है, of the company to ensure that if contain all disclosures and information as required by various status rules notifications etc. तो वो उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी हमारा स्टेटस है वो उसमें क्लियर है, रूल्स क्लियर हैं, नोटिफिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर लुकिंग देन इट इज़ गिवन अप्रूवल, द कंपनी गेट्स द अप्रूवल. ओके, नाउ नेक्स्ट अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे. दिस इज द सेवन स्टेप्स. सो आफ्टर द कंसर्न पार्टीज एजेंसीज हैव अप्रूव्ड द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस and the application form, the board of directors of the company should approve the final draft before filing the register of companies. तो अब बारी आती है कि prospectus issue हो रहा है. ठीक है, prospectus को approval मिल रहा है, उसके बाद जो board of directors हैं वो prospectus draft जब approved हो जाता है अब वो एक application form fill करेंगे जितने भी board of directors हैं company के. ठीक है, एक final draft बनाएंगे बिफोर फिलिंग द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने से पहले. ठीक है, सो दिस इज द एट्थ स्टेप, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन एट्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस विद ROC. ओके, सो ROC मीन्स रजिस्टर ऑफ कंपनीज. सो बिफोर द प्रोस्पेक्टस इज इशू टू द पब्लिक, कंपनी जो अपने जनरल पब्लिक के लिए शेयर्स इशू कर रही है उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्टस इशू किया जाए. ठीक है, इट मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी के द्वारा फिल हो, ड्यूली साइंड होना चाहिए बाय एवरी डायरेक्टर और अप्रूव्ड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं ईच एंड एवरी डायरेक्टर मस्ट बी साइंड ऑन दैट प्रोस्पेक्टस. द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ROC means register of the company within 3 months of waiting of SEBI. ठीक है, तो SEBI को जब आपने finalize कर दिया है कि इतना हम public में shares issue कर रहे हैं तो वो 3 महीने के अंदर अंदर आपको approval मिल जाना चाहिए
तब जाके आपका रजिस्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस बनेगा विद ROC. ओके, रजिस्टर ऑफ द कंपनी होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड पक्का हो गया। अगर कंपनी आपके रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं। नाउ नाइन्थ पॉइंट, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज टू लिस्टेड शेयर्स। ओके, सो रिमेनिंग स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।